चलिएगा, अब हम आते हैं अपनी स्टेप नंबर टू यानी बाइंग ऑप्शन के ऊपर। तो लिखेंगे आप स्टेप टू, स्टेप टू, कैलकुलेट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस अंडर बाइंग ऑप्शन, अंडर बाइंग ऑप्शन, यानी अगर वो लेसी ये डिसाइड करता है कि मैं बोरो करूंगा एंड असेट को बाय करूंगा, तो हम किस तरह से अब अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे मेरी बात को सुनना, देखिएगा। पॉइंट नंबर वन, आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड देखिएगा, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उस लोन पर क्या चुकानी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैसे निकाली जाए। सुन, सिचुएशन ए, Whenever installments are to be paid, paid at the end of each year, at the end of each year, equal installment, equal installment। समझिए, देखिएगा, अगर हमने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट बोरोइंग रेट, एट बोरोइंग रेट फॉर n years, for n years, लोन अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। देखिएगा, वापस से वही सिचुएशन आ गई। ऐसा ही कुछ हमने लीज रेंट को निकालने के लिए भी डिस्कस किया था, देखना क्या होता है। देखिएगा, ये जो है वो है लेसी, ठीक है,
ये है मिस्टर ए, ये गए इस बैंक के पास लोन लेने। ये गए किसके पास? बैंक के पास लोन लेने। अब बैंक ने इन्हें 10% पर एनम की रेट से लोन सेंक्शन कर दिया 12 लाख का। बहुत ध्यान से सुनना, बैंक ने 10% पर एनम की रेट से इनको लोन सेंक्शन कर दिया 12 लाख का। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये 12 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है या टोटल पेमेंट है? प्रिंसिपल अमाउंट। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा हूं कि बैंक ने अगर मिस्टर ए को 12 लाख का लोन दिया है और बैंक वॉन्ट्स टू अर्न 10% इनकम, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर मैनर मैंने लीज में डिस्कस किया था, वहां पर इनकम कौन कमाता था? लेसर कमाता था। यहां इनकम कौन कमा रहा है? बैंक कमा रहा है। तो बताओ बैंक क्या बोलेगा? बोले ठीक है भैया, देखो वाई जीरो पर 12 लाख रुपए हैं, यहां पर एक इंस्टॉलमेंट निकलनी है, यहां एक इंस्टॉलमेंट निकलनी है, यहां एक इंस्टॉलमेंट है और यहां एक इंस्टॉलमेंट है। बोले ये जो इंस्टॉलमेंट है, मान लीजिए ये एक्स है, इसको डिवाइड बाय 1.10 कर दो। बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंक्लूड है। मैंने डिवाइड बाय 1.10 किया तो यहां पर शामिल प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। फिर मैंने इसी तरह से इसको भी किया, x डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 2, तो फिर एक प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। फिर मैंने इसको भी यही किया, 1.10 की पावर 3, और फिर इसी तरह से 1.10 की पावर 4। तो जरा समझिएगा, अगर मैंने इन सब में से प्रिंसिपल प्रिंसिपल को अलग कर दिया तो उस प्रिंसिपल का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये बोल रहा हूं, अगर इसमें 10% का इंपैक्ट जुड़ा हुआ है यहां पर, तो अगर उस 10% को हटा दूं, यानी डिवाइड बाय 1.1 × 1 बेसिकली, तो केवल प्रिंसिपल 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 और प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, और मुझे ये पता है कि एटलीस्ट मेरा टोटल प्रिंसिपल 12 लाख होना चाहिए। तो यानी मैंने क्या किया, समझ रहे हैं? मैंने वही फॉर्मूला लगाया, बोले 12 लाख टोटल प्रिंसिपल है टी जीरो पर, और अगर मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, आप समझ रहे हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के ही फॉर्मूले हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, यानी सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर, फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर। तो व्हाट डज इट मीन कि मुझे अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोलूंगा? बोले 12 लाख को डिवाइड कर दो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ लीज। क्लियर है बिल्कुल? तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया कि अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है तो लोन अमाउंट को डिवाइड कर दूंगा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट बोरोइंग रेट पर। क्या मेरी ये बात समझ आ गई? मैं वापस समझा देता हूं, ये 12 लाख मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, एग्री करते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो इंस्टॉलमेंट दूंगा
इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट में क्या क्या शामिल होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैंने उस एक्स को डिवाइड किया 1.1 से, इंटरेस्ट अलग प्रिंसिपल अलग। ये एक्स है, इसमें दो ब्याज जुड़े हुए हैं, तो पावर टू, जस्ट लाइक अ डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। जब ये कंपाउंडिंग होकर फ्यूचर वैल्यू बना, तो मैंने जैसे इसकी डिस्काउंटिंग की तो प्रिंसिपल अलग और इंटरेस्ट अलग। अब ये मेरा आज का प्रिंसिपल है और इन सब में शामिल प्रिंसिपल भी मैंने निकाल लिया, इन सब में शामिल प्रिंसिपल भी मैंने निकाल लिया, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, और बस उन दोनों प्रिंसिपल को इक्वेट करके मैंने अपनी एक्स की वैल्यू या इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल लिया। क्लियर? सिचुएशन बी, व्हेनेवर इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड इन एडवांस, टू बी पेड इन एडवांस, अगर वो ये बोल रहा है कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मुझे एडवांस में पे करना है, यानी बिगनिंग में, तो लीजिए इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय 1+ क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट बोरोइंग रेट फॉर एन माइनस वन ईयर्स, अच्छा जी, कई बार यहां पर एक समस्या आ जाती है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये बोरोइंग रेट प्री टैक्स होगी या पोस्ट टैक्स। ठीक है, बोरोइंग रेट जो होगी, हम जो यूज करेंगे, बहुत समझना ध्यान से। एक समस्या जो जनरली हमें आ जाती है वेदर बोरोइंग रेट मस्ट बी प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। थोड़ा सा इस पर विचार कर लो। देखो, मैं मुझे एक बात बताओ, ये बोरोइंग रेट जो है ये, अच्छा ये भी छोड़ो, मैं ये बात कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट डिसाइड कौन कर रहा है, मैं या बैंक? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बैंक डिसाइड करेगा, समझना बात को। अब बैंक जो इनकम कमाएगा वो कितनी कमाएगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपकी बोरोइंग रेट दे रखी है, बोरोइंग रेट
12% और टैक्स रेट दे रखी है 50%। तो अब मुझे बताओ बैंक की इनकम कितनी होगी 12 के 6। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं 12% दूंगा और 12% देने की वजह से मुझे 50% का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं तो बैंक अपनी जो इनकम चाहता है वो 12% चाहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, हम ये जो बोरोइंग रेट लेंगे इट मस्ट बी प्री टैक्स, ये कभी भी आफ्टर टैक्स नहीं होगी। हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट कंप्यूट कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट अमाउंट कंप्यूट करते समय हमें जो बोरोइंग रेट लेनी है ये बोरोइंग रेट क्या होनी चाहिए? प्री टैक्स। टैक्स की बातें बाद में आती हैं, इनकम जनरेट होने के बाद। मैंने जब लोन लिया और उस पर हमने पेमेंट किया, उस इंटरेस्ट के ऊपर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्लियर? बिल्कुल। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकाल रहा हूं तो ये बोरोइंग रेट जो होनी चाहिए इट मस्ट ऑलवेज बी प्री टैक्स, ये केवल और केवल प्री टैक्स होनी चाहिए। क्लियर? सिचुएशन सी। समटाइम्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज समटाइम्स रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज दैट प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी इक्वल, प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी इक्वल, इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं, वो बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट को इक्वल रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए लोन अमाउंट जो कि मेरा प्रिंसिपल है इसको तो डायरेक्टली डिवाइड कर दूंगा एन से, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल की अमाउंट आता गया और प्लस करता चलूंगा इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन लीजिए। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन की एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल वैल्यू को एन से डिवाइड कर दूंगा, ये इक्वल आ गई, और उसमें इंटरेस्ट जोड़ता चलूंगा आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट पर, तो मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आती जाए। बोलिए क्लियर है बिल्कुल यहां तक? आइए एग्जाम्पल, मिस्टर ए ऑब्टेन लोन टू एक्वायर असेट ऑफ रुपीस 12 लाख।
एट 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम। मिस्टर ए ने एक लोन लिया है 12 लाख रुपए का 12% की इंटरेस्ट रेट। इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड, इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हम जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वो एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे करोगे। टैक्स रेट आपको दे रखी है 40%। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। हम क्या निकाल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। बताइए इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर हो रहा है। बोरोइंग रेट 12% है, टैक्स रेट 40 है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट, लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% फॉर। अच्छा लोन पीरियड रह गया तो लिख दें लोन पीरियड है 5 ईयर्स, जो रीपेमेंट करना है वो 5 सालों में, तो फॉर 5 ईयर्स ये मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। बताओ लोन कितने का है, 12 लाख का लोन डिवाइडेड बाय 12%, तो 3, 4, 5, 3.605, 3.605 तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगी 12 लाख डिवाइडेड बाय 3.605, 3,32,871। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें दो बातें इंक्लूड हैं, इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल। एग्जाम्पल लिखिए, मिस्टर ए ओब्टेन्ड लोन ऑफ रुपीस 4,50,000 एट 8% पर एनम फॉर
4 years. मिस्टर ए ने 4.5 लाख का लोन लिया है 8% पर एनम की रेट पर 4 सालों के लिए. टैक्स रेट 40% है. इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड इन एडवांस. इंस्टॉलमेंट्स आर टू बी पेड इन एडवांस. इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट होना है वो एडवांस में होना है. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. लीजिएगा, अब की बार हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो बिगिनिंग में पे कर रहे हैं. सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले अप्लाई करो डायरेक्टली. लीजिए, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8%. 1 प्लस क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 8% फॉर एन माइनस वन, यानी फॉर 3 इयर्स. फॉर एन माइनस वन इयर्स. एन माइनस वन क्यों? क्योंकि पहले साल का पीवी फैक्टर 1 आ गया, तो 3 और बचे उसके लिए हम ले लेंगे. तो बताइए, लोन अमाउंट है 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8% पर निकालिए, 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, 2.577. तो ये हो गया 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3.577. तो बताइए इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3.577, 125,804. Approximately 125,804. ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया, जिसमें दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, इंटरेस्ट एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है. क्लियर है बिल्कुल? तो यानी हमारे पास इंस्टॉलमेंट निकालने की 2 कैटेगरी हो सकती हैं. एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर और एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. तो अगर मैं बाइंग ऑप्शन पर जाता हूं तो बाइंग ऑप्शन में सबसे पहले मुझे इंस्टॉलमेंट्स टू बी पेड को क्या करना पड़ेगा? कंप्यूट करना पड़ेगा. क्लियर है मेरे हिसाब से बिल्कुल ये? सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट
amount of interest. Calculate amount of interest included in each installment अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि हर इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है. ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन, इस ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट अमाउंट निकलेगा. अब अगर मैं लोन के बैलेंस पर इंटरेस्ट निकालता जाऊंगा और मुझे इंस्टॉलमेंट पता है, तो क्या आप प्रिंसिपल रीपेमेंट निकाल सकते हैं? समझना, लोन का जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा. फिर मुझे इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो इस इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट अमाउंट हटा दूंगा तो प्रिंसिपल रीपेमेंट पता जाएगा. प्रिंसिपल रीपेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट के बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन ये लीजिए आपके पास, ये एक इंटरेस्ट की पूरी टेबल बनेगी. ये लीजिए, ये आपके पास क्या आ गई, इंटरेस्ट की हमने एक टेबल बना दी. पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेट टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. अब आपने जो इंटरेस्ट का खर्चा निकाला है वो इंटरेस्ट आपका एक टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, तो आपको उस इंटरेस्ट पर क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा. पहला कॉलम ईयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और इस अमाउंट पर आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट ये लीजिए, ये आपको क्या मिल गया, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट का चार्ट आ जाएगा कि जो भी आपका क्या बना, इंटरेस्ट बना, आपको उस इंटरेस्ट का क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा. नेक्स्ट
पॉइंट नंबर फोर, कैलकुलेट टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिएगा, चूंकि आप बाइंग ऑप्शन को ले रहे हो तो आपको ओनरशिप के सारे राइट मिलेंगे, और अगर आपको ओनरशिप राइट मिल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन आपको ही मिलेगा। ए, एसएलएम फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देन टैक्स बेनिफिट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। तो ये हमारे पास उस डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट आ जाएगा। बी, WDV मेथड फॉर डेप्रिसिएशन तो इसमें आपका ईयर, फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट, अमाउंट एंड देन उसका टैक्स बेनिफिट, और देन उसका आपको इंडिविजुअल ईयर वाइज टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, लीजिएगा। तो WDV मेथड में इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा टैक्स बेनिफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। SLM है तो इस तरह से डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट, और WDV मेथड है तो इस तरह से हम टैक्स बेनिफिट निकाल देंगे। क्लियर? बिल्कुल। चलिएगा पॉइंट नंबर कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंसेस इनकर्ड only those expenses
आर टू बी कंसीडर्ड ओनली दोज एक्सपेंसेस आर टू बी कंसीडर्ड विच आर टू बी इनकर्ड ओनली अंडर बाइंग ऑप्शन ओनली अंडर बाइंग ऑप्शन. If any particular, हाँ जी एक बार आप लिख लें फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. If any particular expenses are to be incurred. If any particular expenses are to be incurred under both alternative, such expenses must be ignored under both alternatives. बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनोगे. देखिएगा क्या होता है. जैसे मान लो ये जो हैं वो हैं मिस्टर ए. ठीक है बहुत ध्यान से सुनना. मिस्टर ए अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर चाहते हैं. कंप्यूटर. नाउ मिस्टर ए क्या सोच रहे हैं. ऑल्टरनेटिव वन बोरो मनी एंड बाय कंप्यूटर और ऑल्टरनेटिव टू कंप्यूटर ऑन लीज. अब मुझे बताइए मिस्टर ए को जो डिसीजन लेना है वो किस बात का लेना है. वो डिसीजन लेना है कंप्यूटर को खरीदें या कंप्यूटर को लीज पर लें. क्लियर. अब मान लो मुझे ये दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन कंप्यूटर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन कंप्यूटर 40,000. बताइए ये रन करने के खर्चे कौन से ऑल्टरनेटिव में होंगे. क्या ये खर्चा केवल तभी होगा जब आप कंप्यूटर को बाय करोगे या ये खर्चा तब भी होगा जब आप कंप्यूटर को लीज पर लोगे. मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं. अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस
दोनों ऑल्टरनेटिव में इनकर्ड है। अब समझिएगा, मेरा यहां जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन है कंप्यूटर को या तो खुद खरीदूं या मैं कंप्यूटर को लीज पर लूं। क्लियर? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर को खुद खरीदता हूं या मैं कंप्यूटर को लीज पर लेता हूं, तो दोनों ही केस में मेरे कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो मुझे इनकर्ड करने ही करने पड़ेंगे। तो ऐसा खर्चा जो दोनों ऑल्टरनेटिव में कॉमन आ रहा है, मैं उस एक्सपेंसेस को इस इवेल्युएशन में क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। आइए और देखते हैं मैं आपको क्या बताने चाह रहा हूं। अब देखिए, मान लीजिए जो मिस्टर ए हैं, हां जी, ये है मिस्टर ए, यानी अब ये मिस्टर ए एक मशीन चाहते हैं, मशीन M1। ये अपने ऑल्टरनेटिव वन की तरफ सोच रहे हैं, बोले बाइंग ऑप्शन, बोलिए बाइंग ऑप्शन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने ये मशीन खरीदी है तो क्या आप इस मशीन के ओनर बन गए? बिल्कुल बन गए। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मशीन खरीदने के बाद अब आप उसको यूज कर रहे हैं और आपको कोई रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी, रिपेयर कॉस्ट लगी उस मशीन पर, कौन इनकर्ड करेगा उसे? आप ही करोगे, सिंस यू आर ओनर ऑफ द असेट। आपने एक मशीन खरीद ली और उसको खरीदने के बाद आपको उसके ऊपर कुछ रिपेयर करवानी पड़ गई, तो रिपेयर का खर्चा आपको ही बियर करना है। अब आइए, देखिएगा लीज ऑप्शन, लीज ऑप्शन। नाउ सुनना, इट इज एग्रीड दैट रिपेयर एक्सपेंसेस मस्ट बी इनकर्ड बाय लेसर। बहुत ध्यान से सुनना, आपने उस मशीन को जब लीज पर लिया तो उस एग्रीमेंट में एक कंडीशन थी कि अगर मशीन लेने के बाद लीज पीरियड के दौरान अगर कोई भी रिपेयर का खर्चा होगा तो वो लेसर करेगा। अब बताइए, अगर लीज ऑप्शन में आपको रिपेयर करवानी पड़ी तो क्या मिस्टर ए को करवानी पड़ेगी? ये तो लेसी है। बताइए, क्या इसको करवानी पड़ेगी? नहीं। लेकिन क्या बाइंग ऑप्शन में मिस्टर ए को ही ये खर्चा करना पड़ेगा? हाँ। तो अब इन दोनों ऑप्शन में ये एक खर्चे को लेकर वेरिएशन आ गया, यानी बाइंग ऑप्शन में ये खर्चा मुझे करना पड़ रहा है लेकिन लीज ऑप्शन में मुझे ये खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। तो जब मैं बाइंग और लीज ऑप्शन को कंपेयर करूंगा तो मुझे इस एक्सपेंसेस का कैश फ्लो भी कंसीडर करना पड़ेगा। यही बात मैंने यहां लिखी, ओनली दोज एक्सपेंसेस आर टू बी कंसीडर्ड विच आर टू बी इनकर्ड ओनली अंडर बाइंग ऑप्शन। ठीक है, हाँ, क्लियर। अब मान लो लीज एग्रीमेंट कुछ इस तरह से हो,
it is agreed that repair expenses must be incurred by lessee. ये लीजिए, आपकी बार लीज एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हम ये एग्री कर रहे हैं कि जो रिपेयर का खर्चा होगा वो रिपेयर का खर्चा कौन करेगा? लेसी करेगा। आप बताइए क्या बाइंग ऑप्शन में रिपेयर का खर्चा ए को करना है? बिल्कुल करना है। क्या लीज ऑप्शन में भी रिपेयर का खर्चा ए को करना है? बिल्कुल करना है। तो दोनों ऑल्टरनेटिव में अब ये खर्चा ए को करना है। तो मैं इवेल्युएशन के टाइम पर, इस खर्चे को क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा। बोलिए क्या अब आपको ये बात समझ आ गई है जो मैंने एक्सपेंसेस को लेकर लिखी है? ना, अब ये कैश फ्लो निकालेंगे कैसे? तो आइए, स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंसेस year cash flow due to expense tax benefit or net cash ये लीजिए, ये हमारा चार्ट बन गया। मान लीजिए एक से लेके चार साल तक हमारे ये खर्चे लग रहे हैं, इन खर्चों का मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये लीजिए मेरे पास नेट कैश फ्लो आ गया। अलग अलग है तो ईयर वाइज निकाल लेंगे, अगर इक्वल अमाउंट है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये हमारे पास एक और वर्किंग हो गई कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंस को लेकर। लेकिन कैश फ्लो ड्यू टू स्क्रैप या सैल्वेज कैश फ्लो ड्यू टू स्क्रैप पब्लिक सेल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट। सबसे पहले हमने असेट की स्क्रैप वैल्यू ले ली प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ड्यू टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पब्लिक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस की वजह से जो भी टैक्स एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्ट होगा, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो।
नेट कैश फ्लो। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू का पॉइंट आ गया। नाउ स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर बाइंग ऑप्शन। अंडर बाइंग ऑप्शन पर्टिकुलर्स ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। मान लेते हैं 4 साल का हमारा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ले लिया इंस्टॉलमेंट पेड। हमने जितनी जितनी इंस्टॉलमेंट पे की है वो इंस्टॉलमेंट पेड हमारा आउटफ्लो है। ये लीजिए, तो ये हमने लिख दिया इंस्टॉलमेंट पेड। टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, इन इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट इंक्लूड है उस इंटरेस्ट का हमें क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन ये लीजिए, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट आ गया। फिर हम ले लेंगे कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस की वजह से हमारा जो भी कैश फ्लो हुआ वो आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ गया स्क्रैप वैल्यू। लास्ट ईयर में हमारे पास एक स्क्रैप वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास आएंगे नेट कैश फ्लो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर। ये मेरे पास आ गए नेट कैश फ्लो। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूं, इसको ए, इसको बी, सी, डी और ई। तो अब कैसे आएगा देखिएगा, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ई। ये लीजिए, ये मेरे पास आ गए नेट कैश फ्लो। अब इस पर अप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर्स। ठीक है, डिस्काउंट रेट विल बी कॉमन, यानी जिस पर्टिकुलर रेट पर हमने लीज ऑप्शन को डिस्काउंट रेट माना है
हम उसी डिस्काउंट रेट को बाइंग ऑप्शन की भी डिस्काउंट रेट मानेंगे। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि डिस्काउंट रेट विल बी सेम अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव। हमें डिस्काउंट रेट दोनों की क्या रखनी है, बिल्कुल इक्वल रखनी है। तो ये लीजिए, ये मेरे पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। ये मेरे पास हर ईयर की नेट कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू आई, और ये जो टोटल है, ये टोटल मेरा बाइंग ऑप्शन का आंसर बनेगा। ये बाइंग ऑप्शन आ गया, ये मेरे पास आ गया बाइंग ऑप्शन। क्लियर है? तो देखिए गाइस, स्टेप वन में मैंने क्या निकाली थी, लीज ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने क्या निकाल ली, बाइंग ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू। नाउ बना लिया था ये चार्ट, इंस्टॉलमेंट, टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो ड्यू टू एक्सपेंस, स्क्रैप वैल्यू। स्टेप थ्री, कंपेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस अंडर बोथ ऑप्शंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग लीस्ट कॉस्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग लीस्ट कॉस्ट। हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और दोनों ही चूंकि आउटफ्लो को इन्वॉल्व करते हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में से जिसकी कॉस्ट हमारी कम होगी वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये मेथड हुआ हमारा लीज वर्सेस बाइंग डिसीजन, कि अगर एक लेसी को इवेल्युएट करना है कि भाई मुझे उस असेट को खरीदना चाहिए या मुझे उस असेट को लीज पर लेना चाहिए, तो मुझे इस तरह से दोनों ऑल्टरनेटिव के कैश फ्लो निकालने हैं, और इन दोनों ऑल्टरनेटिव के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करना है, और जो लीस्ट कॉस्ट वाला ऑप्शन है वो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्लियर? थोड़ा लेंथी टॉपिक है बट इजी है, एक फिक्स्ड पैटर्न पर इसके क्वेश्चंस आपके बनते हैं।